Hello friends, I am Ajinder Rana and today's topic, welcome to my channel TPDMs, and today's topic is from class plus 2 chapter EMI electromagnetic induction sim. Hum aaj shuru kar rahe hain wo hai Lenz's law aur motional EMF ke baare mein discussion karenge thoda sa. So Lenz's law humne last class mein isse purani jo video hai usme aapne Faraday's laws ke baare mein dekha hoga. To jo Faraday's laws hain वो फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकंड लॉ जो है, फर्स्ट लॉ बताता है कि ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ कैसे बनता है और सेकंड लॉ बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की स्ट्रेंथ किस बात पर डिपेंड करती है. सो आज हम बात कर रहे हैं वहां जो फैराडे का सेकंड लॉ जब खत्म हो रहा था तो हमने वहां लिखा ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी. तो वो जो नेगेटिव साइन है उसके बारे में जो डिस्कशन है वो हमारे लेंज़ लॉ में आता है. सो स्टे विद अस, अभी वापिस आते हैं और शुरू करते हैं लेंज़ लॉ. वेलकम बैक. ओके फ्रेंड्स, सो आज का हमारा टॉपिक है लेंज़ लॉ. तो लेंज़ लॉ के बारे में देखेंगे. सो एज पर द लेंज़ लॉ, जब आपने लास्ट वीडियो में जो देखा दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस डी फाई अपॉन डी टी. So we will try to make that thing relevant. एक्चुअल में देखिए नेगेटिव साइन के बारे में थोड़ा सा इसमें आपको समझना होगा एनर्जी कंजर्वेशन. एक काफी अच्छा टॉपिक है, एग्जाम्स में पूछा जाता है एनर्जी कंजर्वेशन. अच्छा सोचने वाली बात है, एक कॉइल है ठीक है एंड देयर इज अ मूवमेंट इन द मैग्नेट और वो मूवमेंट इन मैग्नेट से हमने एक ईएमएफ इंड्यूस कर लिया. ऐसा लगता है कि जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट, देयर इज अ सर्किट. If it is a complete circuit, then there will be a current. So electrical energy create की गई. अब ये ऐसा लगा कि हमने energy create कर दिया ना, ऐसा अजीब सी बात होगी ना कि electrical energy is created. But it's not like that. ऐसे तो energy conservation law जो है, वो violate हो जाएगा. So हो क्या रहा है? यहाँ पर सर Lenz ने बताया, Lenz law के according ये कहा गया कि अगर suppose there is a coil and there is a magnet. Let the north and south pole is like this. Either north pole or south pole, and the magnet is moving towards the coil. Coil की तरफ move करती है. So you have to do some work. Do you know work energy theorem? ठीक है ना? So आप जब work करते हो तो that work get converted into energy. तो उसे electrical energy बनी होगी. So मैं work तभी तो करूँगा. As you know, work is force into displacement. If there is force, अगर force है जिस force के against मुझे काम करना है, समझ ना काम करना मुझे. Force के against मुझे काम करना. अगर मुझे फोर्स के अगेंस्ट काम करना है तो देयर मस्ट बी सम फोर्स. तो फोर्स तो होनी चाहिए. तो सर लेंज ने कहा कि जैसे ही आप इस मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ लेकर जाएंगे तो ये जो कॉइल है, ये जो कॉइल है, इस कॉइल के अंदर करंट उस डायरेक्शन में आना चाहिए ताकि ये इस जाती हुई मैग्नेट के नॉर्थ पोल को, जाती हुई मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल करे. नॉर्थ पोल को तो सिर्फ नॉर्थ पोल ही रिपेल कर सकता है. So, इसका मतलब ये हुआ कि सामने जो कॉइल है उस कॉइल का फ्रंट फेस जो मैग्नेट के नजदीक है दैट फेस मस्ट बी ऑफ नॉर्थ पोलैरिटी. नॉर्थ पोलैरिटी, नॉर्थ का मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट. नॉर्थ से फील्ड निकलता है, कमिंग आउट ठीक है. सो अगर इसमें मैग्नेटिक करंट ऐसे करंट, डू यू नो दैट रूल ठीक है. आप अंगूठे को, अपने स्थंभ को अगर आप करंट की डायरेक्शन लाइक दिस, सपोज ये आपकी वायर है, इसमें मैग्नेटिक करंट ऊपरी तरफ जा रहा है, तो अगर आप अंगूठा ऐसे रखेंगे तो ऐसे उंगलियां घुमाएंगे सो मैग्नेटिक फील्ड भी इन दैट डायरेक्शन. अगर करंट डाउनवर्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इन दैट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर. सो अगर ये सिर्फ नॉर्थ में ठीक है तो देयर शुड बी अ नॉर्थ पोलैरिटी. देयर शुड बी अ नॉर्थ पोलैरिटी. वैसे इससे बड़ा आसान हो जाता है, इस एन को आप एरो इधर लगा लीजिए, इस एन का एरो इधर लगा लीजिए ठीक है. एंटी क्लॉकवाइज, इट इज एंटी क्लॉकवाइज. अगर आप ध्यान से देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज में एन, हिंदी में समझो एंटी क्लॉकवाइज एन, शुरुआत एन से होती है. तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपकी कॉइल पे नॉर्थ पोलैरिटी बन रही है तो इट इज श्योर कि वहां पर एंटी क्लॉकवाइज करंट है. अगर आपकी कॉइल में साउथ पोलैरिटी बन रही है तो क्लॉकवाइज करंट होगा. अच्छा वो कैसे होगा, सेकंड केस समझिए रेड से. अगर ये मैग्नेट उल्टी डायरेक्शन में जा रही है कॉइल से दूर,
कॉइल से दूर जा रही है। तो मैंने कहा कि जब तक मैं वर्क नहीं करूंगा, काम नहीं करूंगा, तब तक वहां पर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो जब मैं इसको वापस खींच रहा होऊंगा, इस तरफ लेके जाने की कोशिश करूंगा, तो कोई तो ऐसा हो जो मेरे अगेंस्ट काम करे, ताकि उसको उधर खींच रहा, तभी मुझे उसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। तो मुझे एक फोर्स लगानी पड़ेगी इधर, इस फोर्स को लगाने के लिए इसके अगेंस्ट कोई फोर्स होनी चाहिए। अगर ये मैग्नेट इधर जा रही है तो इसका मतलब इसको उधर खींचना पड़ेगा। अगर उस तरफ खींची जाएगी तो दैट मस्ट बी श्योर कि उस तरफ एक साउथ बनना चाहिए, क्योंकि साउथ ही नॉर्थ को खींच रहा होगा, साउथ ही नॉर्थ को खींच रहा होगा। तो यहां पे एक चीज ध्यान से देख रहे होंगे, जब मैग्नेट अंदर जा रही है तो ये उसे धक्का मार रहा है कि अंदर ना जाए, यानी कि इस चेंज को अपोज कर रहा है, इस हरकत को अपोज किया जा रहा है। जब हरकत दूर जाने की हो रही है कि मैग्नेट को मैं कॉइल से दूर लेके जा रहा हूं, तो ये कुछ ऐसा बिहेव कर रहा है ताकि दूर ना जाने दे। अगर नॉर्थ दूर जा रहा है तो ये साउथ बन जाता है, क्योंकि साउथ इससे प्यार करता है, वापस खींच लेता है। अब आप साउथ को ध्यान से देखो, साउथ के दोनों किनारों पर एक एरो बना लो नीचे ऐसे, और आपको दिख जाएगा कि ये क्लॉक है, ये क्लॉक है। एंटी पे एन पे एरो बनाओगे एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, सेम इज ट्रू फॉर द साउथ। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर नॉर्थ कॉइल की तरफ जा रहा है तो कॉइल भी नॉर्थ हो जाएगी ताकि उसे धक्का मार के वापस भेज सके, और अगर नॉर्थ दूर जा रहा है तो उसको अपोज करने उसको नॉर्थ को खींचना पड़ेगा, तो नॉर्थ को साउथ खींचता है तो वो साउथ हो जाएगी। तो लेंसेज कहता है कि वो हमेशा इसके उल्टा काम करेगी, हमेशा इसके अपोजिट काम करेगी, अपोज करने का, जिसको कॉल्ड द लेंस लॉ, दैट्स व्हाई देयर इज नेगेटिव साइन, इसलिए यहां एक नेगेटिव साइन होता है। दूसरा, व्हाट इज मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ क्या होता है? अगर आपको याद हो, आपने एक फ्लेमिंग सर लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में एफ बी आई, ठीक है, अगर आप उसमें देखते हैं कि किसी भी चीज के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, ठीक है, उसमें करंट होता है तो वो मूव करने लगता है, उसी की तरह से एक फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ये कहता है कि अगर आप करंट नहीं डालते कंडक्टर के अंदर, पर उसे आप खुद चलाते, कंडक्टर को खुद चलाते, ठीक है, तो उसमें करंट अपने आप आ जाता है। इट इज कॉल्ड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। मैं फिर से रिपीट कर दूं आपके लिए, वो ये, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में एक आपने कंडक्टर रखा हुआ है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक कंडक्टर रखा हुआ है, अगर आप इस कंडक्टर को मूव करेंगे तो इसमें करंट फ्लो करने लगता है, ठीक है, उसके डायरेक्शन के लिए हम एफ बी आर ये इसका इस्तेमाल कर लें, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक, इसका एफ फोर्स यानी कि मोशन, बी मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इज योर करंट आई, दिस इज आई, ठीक, ओके ओके। जब हम बात करते हैं इसकी, so there will be a force F is equal to Q V B sin theta. There is always a force on a charge which is equal to velocity V in a magnetic field, that is F Q V B. Let it be 90 degree, तो F Q V sin theta हो गया. और मान लीजिए कि वर्डन is force into displacement. Force into displacement. Suppose ये मेरा conductor है. That conductor is moving in the magnetic field. तो इसमें जो charges हैं, जो move कर रहे हैं, that charges are moving with velocity v in magnetic field b, there will be a force. There will be a force, and that force is acting on that particular length. Let the length is l. Let the length is l. L. But force is q v b l. That is my work done. But हम work का एक formula और जानते हैं. What is equal to charge into potential? Work done is charge into potential. Let the potential is EMF E. So from equation number 1 and equation number 2, that Q into E is equal to Q V V L. Q goes out. Q goes out. EMF is V L V. ये formula आपको कुछ numericals में काम आएगा, कि जो ऊपर से दिखाया जाता है कि there is a plane. ठीक है जी, वो प्लेन जो है वो किसी पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड पर फ्लाई उड़ रहा है,
तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड दिया गया कि फलाना डॉट डॉट कुछ मैग्नेटिक फील्ड है उस जगह पर इतना टेस्ला दिया गया तो बी की वैल्यू दे दी। फिर उसके जो प्लेन है उसके विंग्स जो है ठीक है दैट विंग्स जब वो उड़ रहा होगा तो वो उसके अंदर से क्रॉस करके निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड के बीच में से, जैसे मेरा ये अभी थोड़ी बात हम बात करते हैं ये मूव कर रहा है तो जब वो उसमें से मूव करेगा तो उसकी लेंथ भी होगी विंग्स की और वी उसकी वेलोसिटी होगी प्लेन की ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड आप जैसे बच्चों में आपने पढ़ा होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट है कोई भी कंपोनेंट है जिसको वो क्रॉस करके निकल रहा है वो वेलोस पुट अप है तो आप विंग्स के किनारों पर आप ईएमएफ की बात कर सकते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल और आता है आप उसको अपनी बुक्स वगैरह में देखिएगा भी मिलेगा आपको कि एक ऐसे सर्कल में यहाँ पर एक रॉड है लाइक दिस ठीक है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है इसकी लेंथ दी गई है अगर उसके रोटेट कर रही है तो इसके एंड्स पर कैसा ईएमएफ बनेगा ठीक है। सो आप उसके भी डिस्कस कर सकते हो वहाँ पर आप वी इज इक्वल टू आर ओमेगा दैट्स द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी उसका यूज कर सकते हैं। अगर आप ये दो न्यूमेरिकल ध्यान से देखेंगे तो आपको बड़ी अच्छी मदद मिलेगी इस टॉपिक की उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। तो आज हमने दो टॉपिक पढ़े लेंजेस लॉ जो हमें बताता है कि हमारे मोशन को हमेशा रेजिस्ट किया जाता है बाय द इंड्यूस्ड ईएमएफ। दूसरा हमने पढ़ा मोशनल ईएमएफ जब कोई चीज मूव करती है तो उसके एंड्स पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है जिसको हम E is equal to BLV से जानते हैं उसके कहां का इस्तेमाल हो सकते हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। सो प्लीज़ जरूर घर जाके इसे जरूर देखिएगा इस वीडियो को दोबारा फिर से देखिएगा ताकि आपको चीज़ अच्छे समझ में आ जाए और आप इसका न्यूमेरिकल में इस्तेमाल कर सके। सो ये आपके एग्जाम्स के लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है आपको कोई प्रॉब्लम है आपके पास कोई क्वेरी है किसी भी तरह की तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा जितनी कोशिश होगी हम सब उतनी जल्दी आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे और उनको सॉल्व करने की क्वेरीज को कोशिश करेंगे। सो स्टे ट्यून आप प्लीज़ देखते रहिए शेयर कीजिए लाइक कीजिए अपने दोस्तों को दिखाइए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपकी मदद कर सके। थैंक यू वेरी मच।